थाना डोकी क्षेत्र के यमुना घाट पर युवक की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद में युवक को उतारा मौत के घाट। फतेहाबाद आगरा के थाना डोकी क्षेत्र में भरी दोपहरी में यमुना के घाट पर युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवक की हत्या के पीछे जमीनी रंजिश बताई गई है। सूचना पर उच्च अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक थाना डोकी क्षेत्र के गांव बड़ौली गुर्जर खादर के रहने वाले 28 वर्षीय छत्रपाल पुत्र ब्रह्मजीत यमुना किनारे रसूलाबाद घाट पर अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने युवक को घेर कर गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद सौरभ सिंह ने बताया कि मामला जमीनी रंजिश से जुड़ा हुआ है। गांव के ही निषाद समाज के दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या की सूचना पर गांव में पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही वकील पुत्र नवाब सिंह चंद्रभान पुत्र नवाब सिंह से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना था कि आरोपियों ने फोन कर छत्रपाल को यमुना किनारे बुलाकर गोली मार दी है। परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है। इसमें एक छत्रपाल नामक व्यक्ति की हत्या की गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। तीन लोगों को नामजद किया गया है तहरीर में। तीन लोगों का नाम है श्याम सिंह और नवाब सिंह और वकील। इन लोगों के लिए टीम निकाल दी गई है, दबिश दे रही है टीमें, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। और जैसे इस लड़के से क्या रंजिश चली है इनकी या कोई बात की, क्या इनका इस लड़के का क्या मैटर चल गया? ये जमीनी विवाद बता रहे हैं लेकिन अभी तहकीकात जारी है, अग्रिम तथ्य आपको बता दिए। वर्मा नाम है, कहाँ के रहने वाले? नंगला आम औद। ये क्या घटना घटित हुई है? आज सुबह सर मैं ट्रैक्टर चला के खेत में अपने घर पर यार खोल रहा था, ट्रैक्टर से छोटे भाई के पास कॉल आई थी। उसने बोला मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस इतनी आवाज़ सुनी है मैंने उसके पुंग से। छोटे भाई का नाम क्या है? छत्रपाल नाम है। उम्र कितनी है इसकी? उम्र है मैं करीब 21-22 की। अच्छा, हाँ जी। क्या घटना रही है इसमें? गोली मारी है साहब। किन लोगों ने? चंद्रवान है, वकीला है, उसका एक चाचा है श्याम सिंह। कहाँ के निवासी? ये चंद्रवान वकीला वैसे रहने वाले ये रसूलाबाद के ही है, ननौता में रहते हैं। इनसे क्या कोई पुरानी रंजिश है क्या? हमारी रंजिश साहब कोई नहीं है, रंजिश इतनी वो चाचा भतीजे की रंजिश ही चंद्रवान की और वकीला की और श्याम की, खेती के पीछे हिस्सा बांट के पीछे। तो उनके मतलब विवाद में मेरा भाई चला गया। क्या इसमें क्या हस्तक्षेप कर रहा था तुम्हारा भाई? क्या कर रहा था इसमें, क्यों इसे रंजिश में? अब साहब ये मेरे को पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, खाली फोन पर इतना सुना है मैंने कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। कितने बजे घटना थी ये? करीब सर घटना है 8 से 8:30 बजे की, घर से कॉल आई थी, ये तुरंत निकल के आया है यहाँ पर। ऐसे करीब 9-9:30 बजे की घटना बता रहे हैं। आप लोगों को किसने सूचना दी कि आपके भाई को गोली मार दी है? इधर उधर से कॉल आने लगी साहब, कुछ कॉल इधर से भी आई थी रसूलाबाद से, कुछ बरौली से भी, कुछ नगला आम औद से भी, कुछ कोई कुमरगढ़ा से भी। सब मेरा नाम ले रहे थे सब लोग, मेरा ही नाम आ रहे थे क्यों मैं सबसे बड़ा हूँ और खेती आरी में ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, खेती आरी का काम करता हूँ, इसलिए मेरा नंबर चारों तरफ बता हुआ है। सब लोग मेरे पास फोन कर रहे थे भाई क्या बात होगी, मैंने साहब मैं तो घर बैठा हूँ मुझे कोई बात नहीं है। ये चंद्रवान से आपके मतलब कहाँ के चंद्रवान नाम ले रहे थे अभी? ये ननौता के हैं चंद्रवान। और कौन थे साथ में? और वकीला है और श्याम सिंह है।